ट्रिक सिक्स, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम एक्स पर केजी टू वाई पर केजी। कमोडिटी राइज हो गया प्राइस एक्स पर केजी से वाई पर केजी। इफ एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन कंजप्शन। हमें एक्सपेंडिचर को इंक्रीज नहीं करना है, हमारा प्राइस जो है वो एक्स से वाई इंक्रीज हो गया, बट हमें एक्सपेंडिचर को इंक्रीज नहीं करना है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। किसमें? कंजम्पशन में। कंजम्पशन रिडक्शन कितना करना पड़ेगा वो ये पूछ रहा है, ठीक है। यदि किसी वस्तु का मूल्य एक्स रुपये से बढ़कर बाई रुपये हो जाता है, एक्स रुपये से बढ़कर बाई रुपये होगा, तो पूछता है उसके उपयोग में कितनी कमी करें कि खर्चा ना बढ़े। हमें खर्चा नहीं बढ़ाना, तो खर्चा नहीं बढ़ाना तो क्या करना पड़ेगा, उपयोग में कमी करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, एक्स से बढ़कर इंक्रीज होकर वाई रुपये हो गया, तो इसकी ट्रिक है वृद्धि अपन मूलमान मल्टीप्लाई 100। वृद्धि कितनी हुई है, वाई में से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वृद्धि आ जाएगी अपॉन मूलमान वाई। मूलमान वाई क्योंकि अब जो हम कमोडिटी या वस्तु लेंगे वो वाई के हिसाब से लेंगे, वाई के हिसाब से मिलेगी, एक्स के हिसाब से नहीं मिलेगी, मल्टीप्लाई 100। अगर दूसरी टाइप है, वी टाइप क्या है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिड्यूसेस फ्रॉम एक्स पर केजी टू वाई पर केजी। अगर रिड्यूस हो जाती है तब हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, कमी अपॉन मूलमान मल्टीप्लाई 100, वाई माइनस एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई 100। एक्स से घट करके रिड्यूस होकर के वाई होगी। अगर हम वाई माइनस एक्स करेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो उसमें से एक्स माइनस वाई करके कमी निकाल सकते हैं, ठीक है। अपॉन में बाई आएगा क्योंकि जो मूलमान है हमारा वो हमारा बाई ही रहेगा। अब कम हो गया तो हमें जो वस्तु मिलेगी वो इसी रुपये से मिलेगी, तो अपॉन में वाई रहना है। इसको आप कैसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 100। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 6 पर केजी टू 7.5 पर केजी इफ द एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज। एक्सपेंडिचर हमें इंक्रीज नहीं करना है। द परसेंटेज ऑफ अ रिडक्शन इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में हमें कितना रिडक्शन करें जिससे हमारा एक्सपेंडिचर नहीं बढ़े। एक वस्तु का मूल्य 6 रुपये से बढ़कर कितना हो गया, 7.5 हो गया। हमारी ट्रिक क्या थी, 6 रुपये से इंक्रीज होकर के क्या हो गया है, 7.5 रुपीज़ हो गया है, ठीक है। वो पूछ रहे खपत में कितने परसेंट की कमी करें जिससे कि हमारी खर्च नहीं बढ़े, है ना। तो क्या था, वृद्धि, वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है, वृद्धि अपॉन मूलमान मल्टीप्लाई 100। वृद्धि कितनी हुई है, 7.5 माइनस 6 अपॉन मूलमान कितना आएगा, 7.5 मल्टीप्लाई 100, 7.5 मल्टीप्लाई 100, 20%। आंसर इज 20%। 20% की अगर हम खपत में कमी कर देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो नहीं बढ़ेगा।